जल्दी कीजिए, वो करण कपूर का अपहरण कर व्हाइट वैन में ले जा रहे हैं, बस अभी निकले हैं। वेटर होटल के बाहर खड़े शिखर को बोलता है। शिखर हड़बड़ाहट में कहता है, जोसेफ को बोलो अपनी कार की चाबी दे जल्दी। वेटर पलट कर बोलता है, सर ये रे मेरी स्कूटी की चाबी, कहीं वो भाग ना जाए। और तुरंत अपनी जेब से चाबी निकालकर शिखर के हाथ में थमा देता है। शिखर अपना फोन खोलता है, सबसे ऊपर शीना का ही नंबर होता है। बिना सोचे उसे एक संदेश भेज देता है, करण कपूर का किसी ने अपहरण कर लिया है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। और बिना समय बर्बाद किए वेटर के साथ ही गाड़ी पर बैठ वैन का पीछा करने निकल पड़ता है। होटल से थोड़ी दूर जैसे ही निकलते हैं, शिखर को सामने रास्ते पर सिग्नल के पास खड़ी व्हाइट वैन दिखती है। सिग्नल हरा होता है और व्हाइट वैन तेज रफ्तार से भागना शुरू कर देती है। शिखर भी उसके पीछे उतनी ही तेज रफ्तार से पीछा करना शुरू कर देता है। वैन जंगल वाले रास्ते से होते हुए होटल से करीब 20 मिनट दूर जाकर एक सुनसान से गोदाम के पास जा रुकती है। शिखर और वेटर स्कूटी से पीछा करते हुए थोड़ा पहले ही जंगल में अपनी स्कूटी रोकते हैं। बिना आवाज किए दोनों स्कूटी को बड़े से पेड़ के पीछे लगाते हैं और उतरकर छुपकर कुछ लोगों को गोदाम में एक बड़ी सी बोरी के साथ जाता हुआ देखते हैं। शिखर अपना फोन निकालता है, पुलिस को फोन लगाने लगता है कि तभी उसे एक संदेश आता है, जिसे पढ़कर वो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि शीना के भेजे उस संदेश में लिखा था, करण कपूर तो मेरे सामने ही खड़ा है। इससे पहले शिखर कुछ समझ पाता, अचानक से एक मोटी सी लकड़ी आती है और इसके सिर पर जोरों से लगती है। शिखर का सर चकराने लगता है, वो पलट कर देखता है तो उसे वेटर मुस्कुराता हुआ अपने हाथ में लकड़ी लिए खड़ा दिखता है। शिखर की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर पार्टी में रवि, जोसेफ और अनन्या शिखर को ढूंढ रहे थे। रवि हाथ में पकड़ा फोन कसते हुए बोलता है, तब से वो फोन नहीं उठा रहा था, अब तो बंद ही कर लिया इसने अपना फोन, न जाने कहां गया होगा। जोसेफ और अनन्या भी शिखर को फोन लगाते लगाते हार चुके हैं। शिखर को ढूंढते हुए शीना भी वहां पहुंचती है। शीना को आते देख रवि उससे पूछता है, शिखर कहां है, सब उसे ही ढूंढ रहे हैं। शीना अपने फोन में आया शिखर का संदेश दिखाते हुए सारी बातें बताती है। थोड़ी देर बाद बात करते करते सबके मन में एक ही ख्याल आता है, जो रवि आवाज देते हुए बोलता है, कहीं शिखर को। जोसेफ जैसे ही ये बात सुनता है यहाँ से भागता हुआ होटल के सिक्योरिटी रूम की तरफ जाता है। बाकी सब भी जोसेफ को ऐसे भागता देख उसके पीछे भागते हैं। सिक्योरिटी रूम में जोसेफ के आदेश पर स्टाफ उसे होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसे देख सबका शक पक्का हो जाता है कि शिखर किसी मुसीबत में है। और सब इस बात पर चर्चा शुरू कर देते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। अनन्या सबसे पहले प्रस्ताव रखती है, हमें तुरंत पुलिस में जाना चाहिए, मेरे पापा के कुछ पहचान वाले ऑफिसर से बात कर सकती हूँ मैं। शीना को अपना पुलिस के साथ हुआ हादसा याद आता है, उसका इस शहर के पुलिस से भरोसा उठ चुका है। उसे पता है कि पुलिस के पास गई तो बहुत देर हो जाएगी शिखर को ढूंढने में, और इस सुझाव को ठुकराते हुए शीना अपना सुझाव देती है, हमें खुद शिखर को ढूंढना चाहिए, अगर पुलिस के भरोसे बैठे रहे तो शिखर को कुछ हो न जाए। अनन्या और शीना दोनों एक दूसरे की बात मानने को राजी नहीं। रवि शीना का पक्ष लेता है तो जोसेफ को अनन्या अपने साथ आने को बोलती है और वो मना नहीं कर पाता, और दोनों दो अलग टीम में अपने आप को बांटते हुए शिखर का पता लगाने निकलते हैं। इधर बेहोश पड़े शिखर की आंखें खुलती है, वो अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसे महसूस होता है कि उसके हाथ पांव किसी ने रस्सियों से कसकर बांध रखे हैं। शिखर अपने चारों तरफ देखता है और अपने आप को एक बंद अंधेरे कमरे में अकेला पाता है। कमरे के बाहर से कुछ गुंडों के हंसने की आवाजें आ रही थी। शिखर को तुरंत समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है। कमरे के बाहर से कुछ बात करने की धीमी आवाजें आती है। अब तक फैसला नहीं हुआ इसका, एक गुंडा पूछता है। बॉस आते ही होंगे, उनके आते ही हो जाएगा, दूसरे ने जवाब दिया। ये सुनकर शिखर सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन है ये बॉस और क्या फैसला करना चाहते हैं ये मेरे साथ। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। शिखर को पास ही में पड़ी जमीन पर एक वाइन की बोतल को देखकर ख्याल आता है, और वो बड़ी मुश्किल से वहीं पड़ी एक दरी में उस वाइन की बोतल को लपेटते हुए बिना आवाज किए उसे तोड़ देता है। दो पल शांत होकर इंतजार करता है कि कहीं बोतल टूटने की आवाज इन तक तो नहीं पहुंची, और जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनाई देती वो अपनी कोशिश जारी रखते हुए एक वाइन बोतल के टूटे कांच के टुकड़ों में से एक उठाता है और अपनी रस्सी काटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में अपने हाथ और पांव की रस्सियां काट कर शिखर आजाद हो जाता है। आजाद तो हो गया, मगर भागे तो भागे कैसे, यही सोचते हुए शिखर अपना दिमाग दौड़ा रहा था। एक रास्ता तो उसके सामने नजर आ रहा था, बड़ी सी खिड़की जिसे खोलकर वो भाग सकता था, मगर ये रास्ता किसी काम का नहीं था। अगर इस खिड़की से भाग भी गया तो सामने लंबा जंगल है, और इससे पहले मैं जंगल पार कर जाऊं ये गुंडे मुझे ढूंढते हुए पकड़ ही लेंगे।
तभी उसकी नजर नीचे गिरी हुई वाइन पर जाती है जो धीरे धीरे जमीन के अंदर बहती जा रही थी। शिखर जैसे ही अच्छे से झुककर देखता है उसे यहाँ से बच निकलने का रास्ता मिलता है। बगल वाले कमरे में बैठे गुंडे थोड़ी देर बाद शिखर का हाल जानने कमरे की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं चौंक जाते हैं। जिस कमरे में उन्होंने शिखर को बंद कर रखा था वो कमरा अब खाली था और उसकी वो बड़ी सी खिड़की खुली हुई थी। ये देखते ही उन गुंडों में से एक गुंडा चिल्ला पड़ता है बाकियों को ये बताते हुए कि शिखर भाग गया है, और देखते ही देखते वहां बैठे सभी गुंडे निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ शिखर की तलाश में। जैसे ही वो गोदाम खाली होता है तभी शिखर जो कि वहीं पर होता है जो कि वहां की नीचे के स्टोरेज रूम में छुप गया था दरवाजा खोलता है और स्टोरेज रूम से बाहर निकलता है। समय रहते शिखर ने वाइन को नीचे गिरते देखकर वहां के कमरे के नीचे वाले स्टोरेज रूम का पता लगा लिया था। अभी मुसीबत टली नहीं है, इससे पहले कि वो वापस आए मुझे यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा और हो सके तो ये भी पता लगाना है कि इन सबके पीछे किसका हाथ है। और शिखर उस गोदाम की पड़ताल में लग जाता है, वहीं डेस्क और उसके कूड़ेदान में सुराग ढूंढने लगता है। तभी उसके हाथ एक कार्ड लिखता है जिस पर लिखा नाम देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसी वक्त उसके पीछे से एक पिस्तौल आकर उसकी कनपट्टी पर लगती है। शिखर पीछे मुड़ता है और कार्ड पर लिखा नाम सामने वाले को देखते हुए पढ़ता है, मिस्टर ओबेरॉय। उसी समय में शिखर फिर से रस्सियों से बंधा हुआ कुर्सी पर बैठा था और कुछ गुंडों के साथ उसके सामने पिस्तौल ताने खड़े थे। मिस्टर ओबेरॉय, इस दुनिया में मुझे सबसे प्यारा है मेरा अपना घमंड और इज्जत, और तूने दोनों को ही मुझसे छीनने की कोशिश की, ऐसे कैसे जाने देता इस बात को, मिस्टर ओबेरॉय दहाड़ते हुए बोलते हैं। शिखर के पास कोई जवाब नहीं था। उसे ये भी पता था कि मिस्टर ओबेरॉय ने उसका फैसला अपने मन में कर रखा है, उनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। शिखर सर झुकाए अपने उस फैसले का इंतजार कर रहा था। वैसे एक रास्ता है तेरे बचने का, ओबेरॉय हंसते हुए बोलता है। शिखर सर उठाकर ओबेरॉय की तरफ देखता है। तुझे अपनी नाक मेरे जूते पर रगड़नी होगी, ये बोलकर ओबेरॉय जोर जोर से हंसने लगता है। शिखर को मालूम है कि अगर उसने ओबेरॉय का कहना मान भी लिया फिर भी ओबेरॉय अपने घमंड के चलते उसे बख्शने वाला नहीं है, और अपनी इज्जत उसके सामने ना गिराते हुए शिखर बोलता है, अभी भी वक्त है, अगर तू मेरे जूते पर अपना नाक रगड़ ले तो माफ कर दूंगा तुझे। ओबेरॉय ये सुनकर अपना मुंह का कोना सिकोड़ के बोलता है, हिम्मत तो देखो इस पिद्दी की, झुकने को राजी ही नहीं, लगता है इसे अपने तरीके से ही समझाना होगा। ये बोलकर ओबेरॉय अपनी कुर्सी से खड़ा होकर शिखर पर अपनी पिस्तौल वापस तान लेता है। मौत को अपने सामने देखकर शिखर की सांसें फूलने लगती है। उसे अपनी बहादुरी से ओबेरॉय को दिए जवाब पे पछतावा हो रहा था। अपने माथे पर शिकन लिए शिखर अपनी आंखें बंद करता है। ओबेरॉय का हाथ पिस्तौल का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि अचानक से उसे एक फोन आता है। शांत कमरे में ओबेरॉय के फोन की घंटी बजे जा रही थी और हार मानकर ओबेरॉय ने भी अपना फोन उठा लिया। फोन की दूसरी ओर से कोई कहता है, अगर माफी चाहते हो तो अभी के अभी अपनी सारी संपत्ति शिखर के नाम कर दो। ये सुनकर मिस्टर ओबेरॉय भी दंग रह जाता है। आखिर किसको पता लग गया कि शिखर यही है, और तुरंत फोन काट शिखर पर गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक से वहां खड़े सभी गुंडों को भी फोन पर एक संदेश आता है। संदेश को देख पहले गुंडा अपनी बंदूक निकालते हुए ओबेरॉय की ओर तान लेता है, और देखते ही देखते वहां खड़े सभी गुंडे ओबेरॉय पर बंदूक ताने खड़े थे। ये सब क्या हो रहा है, ये सब मेरी जगह ओबेरॉय पे बंदूक तान क्यों खड़े हैं, शिखर सोचता है। जो भी हो रहा था वो शिखर के साथ साथ ओबेरॉय के समझ के भी परे था। ओबेरॉय को फिर संदेश आता है उसके मैनेजर का, सर सभी बैंकों ने हमारे लोन और संपत्तियां फ्रीज कर दी है और अब तक का सारा उधार तुरंत चुकाने को बोला है। उसका फोन फिर से बजने लगता है। डरते डरते जैसे ही ओबेरॉय अपना फोन कान से लगाता है दूसरी ओर से आवाज आती है, बस थोड़े से पैसों के बदले तुम्हारे आदमी तुम्हारे खिलाफ हो गए, अब अगर शिखर को रिहा कर अपनी संपत्ति उसके नाम नहीं की तो कल तुम जेल में हो गए और अपनी बाकी की जिंदगी भी वही बिताओगे। इतना बोल फोन कट जाता है। ओबेरॉय के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, ना ही शिखर को कुछ समझ आ रहा था कि वो अब तक जिंदा कैसे है। अपनी गलती का एहसास करते हुए ओबेरॉय शिखर के पांव पर पड़ जाता है और अपना नाक रगड़ने नीचे झुक जाता है शिखर की रस्सियां खोलने का आदेश देते हुए। ओबेरॉय को अपने सामने जमीन पर लेटे बच्चों की तरह रोते और भीख मांगते देखकर शिखर को समझ आ गया था कि ओबेरॉय को उसकी सीख मिल चुकी है, अब वो उसे जिंदगी भर परेशान नहीं करेगा। और शिखर बिना एक बार भी जमीन पर पड़े ओबेरॉय जो गिड़गिड़ा रहा था उसकी तरफ बिना देखे ही वहां से निकल जाता है।
शिखर को मालूम था कि ये उसके शुभ चिंतक का किया है। आज उसने न सिर्फ फिर से शिखर की जान बचाई बल्कि उसके रास्ते के एक प्रतिद्वंदी को हमेशा के लिए हटा फेंका था। शीना और रवि सिक्योरिटी रूम में शिखर को ढूंढने की योजना बना ही रहे होते हैं कि तभी शीना के मन में एक तरीका आता है जिसे वो रवि से साझा करते हुए बोलती है, क्यों ना हम सीसीटीवी से गाड़ी का नंबर देख आसपास के इलाके में छानबीन करने की कोशिश करें। इसमें बबीता भी हमारी मदद कर सकती है। ये बोल रवि तुरंत बबीता को फोन लगा उसे शिखर के बारे में सारी बात बता ही रहा होता है कि उसकी बात काटते हुए बबीता बोलती है, शिखर का पता लग चुका है, वो बस थोड़ी देर में होटल पहुंचता ही होगा। तभी शीना को सामने सीसीटीवी में शिखर होटल की तरफ चल के आता दिखता है। नीचे अनन्या और जोसेफ पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि उन्हें सामने से शिखर दिखता है। इतने में शीना और रवि भी नीचे आ जाते हैं। अनन्या मौका देखकर भागकर जाती है और शिखर से लिपट जाती है। शिखर भी शीना की ओर देखते हुए अनन्या को अपने गले से लगा लेता है। शीना का भी मन तो हो ही रहा था कि जाकर शिखर से लिपट जाए, मगर उसने जो वादा अनन्या से किया था उससे अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। रवि शिखर से पूछता है, आखिर कहाँ चला जाता है तू बिना बताए इतनी देर के लिए? पार्टी के आधे मेहमान तुझसे मिले बिना ही जा चुके हैं। शिखर मुस्कुराता हुआ जवाब देता है, किसी ने मेरा अपहरण कर लिया था, वापस आने में थोड़ा समय लग गया। रवि सिर हिलाते हुए बोलता है, हमेशा ऐसे मौके पर ही मजाक सूझता है तुझे। शीना शिखर को सही सलामत देख यहाँ से जाने लगती है और जैसे ही शीना यहाँ से जाती है शिखर भी अनन्या को दूर कर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर अनन्या को समझ आ गया था कि शीना को दूर करना काफी नहीं था। वो शिखर के बदलते रूप को देखकर समझ गई थी कि अब शिखर के करीब आने के लिए उसे कोई और चाल चलनी होगी। शिखर अब तक इस बात से उभर भी नहीं पाया था कि कुछ देर पहले उसके सर पर पिस्तौल तान कोई खड़ा था और बस पल भर में उसकी जान जाने ही वाली थी। ये बात उसे सता रही है कि मौत कितनी बार उसे आकर गई है। इसी बारे में सोचते सोचते उसका हाथ कांपने लगता है, उसकी सांसें पहले जैसे फूलने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। शिखर सोचता है, कहीं मुझे चिंता का दौरा तो नहीं आ रहा? अब क्या होगा शिखर का? क्या है अनन्या का अगला कदम शिखर को फंसाने के लिए? क्या शिखर को अनन्या का असली चेहरा पता लग पाएगा या वो फंस जाएगा अनन्या के जाल में? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलिनियर डिलीवरी बॉय।